नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सचिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। बच्चे, किड्स, टीनेजर्स, आपको तो पता चल ही गया होगा आज हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के व्यवहार के बारे में। तो दोस्तों, सवाल ये है कि कितना प्रेम बच्चों के लिए इनफ है? क्या इसका कोई मापदंड है? कब, कहाँ और कितना प्रेम दिखाइए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम हमारे बच्चों से कभी कभी एक्सेसिव प्रेम करते हैं? कई बार इस मोह का पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता और बच्चे ये जानते हैं और उसका अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं। तो ये प्रेम और मोह के बीच की डिमार्केशन लाइन कैसे पहचाने और इनमें बैलेंस कैसे रखे, चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानियों से इसका सीक्रेट। निरुमा नमस्ते जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक लड़की के साथ शादी करना चाहता है और वो लड़की हमारे घर वालों में किसी को पसंद नहीं है, तो हम बहुत हम सोच में पड़ गए कि क्या करें, ये हाँ बोले या ना बोले, कुछ समझ में नहीं आता। लड़का क्या कहता है, आप ना कहो तो नहीं करेंगे या आप ना कहो कहोगे तो भी हम शादी तो करने ही वाले, क्या कहता है लड़का आपका? वो तो अपनी मनमानी ही करने वाला है, तो किसी की सुने ऐसा नहीं लगता है मेरे को। तो फिर क्या फायदा? ऐसा होता है बहुत सर, अक्सर ऐसा होता है कि लड़के के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, बहुत ही विरोध करते हैं, लड़की पसंद नहीं है, उसकी सारी बुराइयां पहले से ही इतनी सारी उनके दिमाग में बस गई होती है और फिर बेटे के दिमाग में भी इन सारी बुराइयों को ठसाने का प्रयत्न तो जितना हो सके उतना करते ही है। शायद बेटा मान जाए तो यह शादी टल जाए। इस हिसाब से ज्यादा करके माता और पिता ही इस पे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको अगर लड़की नहीं पसंद रही तो। और फिर क्या होता है, आपने जैसा कहा आपके ही केस में देखो तो लड़का तो अपना मनमानी करने वाला है ही, ऐसा आपको अंदर से ही कहता है। और अगर वो अपनी मनमानी करके अगर उसकी शादी हो भी गई तो शादी होने के बाद फिर क्या होगा वह, उसके बारे में तो आप कभी सोचो। अभी तो आप एक ही बात सोच रही हैं कि अब शादी कैसे भी करके टल जाए, उसके लिए आप सब कुछ कर रही है। लेकिन जब आपकी बात नहीं रहेगी और वो उसकी बात बन जाएगी और शादी हो ही जाएगी, फिर शादी के बाद आपने जितनी बुराइयां आपके बहू के लिए की है ये सारी बुराइयां बहू के दिमाग में रहेगी, सारी जिंदगी भर रहेगी, वह भूल नहीं पाएगी। और आपके दिमाग में भी अभी बहू बनकर आने के पहले ही आपको उस लड़की के लिए कितनी सारी बुराइयां दिमाग में भरी पड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है कि जिंदगी भर वह लड़की इस घर में एडजस्ट नहीं हो सकती है और आप लोग भी उस लड़की को अपने घर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो लड़की को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि दो में से एक भी, माता पिता में से एक भी अगर उसमें से ज्यादा करके अगर माँ लड़की की फेवर में रही तो भी बाजी संवर जाती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स के बारे में। दोस्तों, ऐसा कौन सा परिवार होगा जिसमें माँ बाप और बच्चों में कहाँ सुनी नहीं होती होगी? हर घर में कहीं ना कहीं ये टेंशन लगा ही रहता है। आज के युग में सबसे बड़ी परेशानी है बच्चों की हर रोज की नई डिमांड्स। तो इन सब परेशानियों में हमारा बैलेंस ना खोते हुए कैसे जिया जाए, चलिए सुनते हैं इसका सलूशन अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। एक ही किस्सा हुआ था, हमारे पास एक आया था, बहुत बड़ी फैमिली थी, गुजरात की ही थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, वो मल्टी मल्टी मिलियनर थी, अकलौता लड़का था, बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत
उनके उस इस कारोबार के हिसाब से रिश्ते नाते संबंध सब फ्रेंड सर्कल बिजनेस के सर्कल बहुत बड़े बड़े थे। तो लड़के ने कोई लो कास्ट की लड़की के साथ प्रेम संबंध बांधा और बस कहने लगा कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करना है। सब लोग उसके पीछे थे, माँ लड़के के फेवर में थी। उसने देखा कि लड़की वाकई बहुत अच्छी है। एक ही पॉइंट माइनस था कि उनकी कास्ट की नहीं थी, किसी और कास्ट की थी। उनकी दृष्टि से कास्ट लो कास्ट गिनी जाती है, हालांकि ऐसा कुछ इतना भी नहीं रहा है। लड़की संस्कारी थी, पढ़ी लिखी थी और उनके घर में हर तरह से फिट होए ऐसी थी। लेकिन पिता बहुत स्ट्रांग थे, कड़क थे, इतने कि बस बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। कोई भी संजोग में कह रहे मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर लड़का भी बाप के जैसा ही बाप का ही बेटा, वो भी उतना स्ट्रांग था। तो आप अगर ना कहते हैं तो मैं भी शादी जिंदगी भर नहीं करूँगा। फिर इस तरह से बहुत साल 3-4 साल ऐसे ही गए। तो फिर करे क्या, फिर दिल दुभा के मना कैसे भी करके उन्होंने बेटे को हाँ कही। माँ ने बहुत प्रयत्न किए मनाने के लिए हस्बैंड को बेटे को कि कैसे, तो ठहर जा शांति रख, हो जाएगा। और अंत में कर दी शादी। शादी करने के बाद आज ससुर जी को ये बहू सोने की लगती है और बहू भी इतनी होशियार है, स्मार्ट है। उसने पति की अरे ससुर जी की इतनी अच्छी संभाल की, पति से भी ज्यादा अपने पति को ससुर जी को संभाल लिया। तो ससुर जी बहुत खुश हो गए, उनके सारे मेहमानों को उनकी सारी दावतों को बहुत अच्छी तरह से उसने संभाल लिया। बहुत होशियार थी वो भी। तो आज ससुर जी थकते नहीं है उसकी तारीफ करते करते। बहुत कम ऐसा होता है। और वो बहू भी संस्कारी थी, कितना भी उसके ससुराल वाले ने उसके लिए बदबोई की होगी तो भी वो उसने मन में नहीं रखा। उसको ने तो एक ही देखा कि मैं किस तरह से इस घर में बहू हो कराओ, किस तरह से मैं इसको पति पाओ। तो वह पाने के बाद उसने पिछली एक भी चीज दिमाग में नहीं रखी और दिल से अपना ही घर समझ के उसने अपनाया सबको। और वह लोगों घर वालों ने भी उसको अपना लिया। तो ऐसा बहुत कम होता है। बाकी हालांकि हमारी ज्यादातर तो ऐसे ही दृष्टि में आया है कि जहाँ माता पिता के विरुद्ध होकर बच्चे शादी करते हैं तो फिर माता पिता के दिमाग में से बहू के लिए या ब्लेड की करती है तो दामाद के लिए नेगेटिविटी जाती ही नहीं, दिमाग में इतनी ढसी हुई रहती है कि न पूछो बात। और शायद दामाद के लिए भूल जा सकते हैं लेकिन बहू के लिए तो नहीं भूल सकते हैं, और फिर बहू भी नहीं भूल सकती है। नतीजा ये होता है कि अपने लड़के को खो देते हैं, बहू को भी खो देते हैं, सब अलग हो जाते हैं, सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए नेगेटिव रहता है। तो आप ऐसा मत करो, खूब सोचो, अपने आप को टटोलो, भीतर में झाके देखो। अगर तुम्हारे आप खुद कह रही हैं कि हमारा बेटा हमारी कुछ सुनता नहीं, अपनी मनमानी ही करता है, तो यदि अपनी मनमानी ही करने वाला है तो उसके मुंह पर स्ट्रॉन्ग अपोज मत करो। हाँ, उससे साधारण को कि अगर हमारी राय लेना चाहता है तो हम तो सोचते हैं कि हमने कोई और, हमारे ख्याल में कुछ और लड़की थी, कुछ और इसे अच्छी ख्याल में हमने सोची थी, लेकिन तुझे ये अच्छी लगती है तो तुझे सारी जिंदगी इससे निकालना है। हमारे मन की बात उसकी प्रायोरिटी बाद में आती है, पहली प्रायोरिटी तेरे मन की है। तुझे जिंदगी निकालना है तो तू अच्छी तरह से सोच, पूरा समय ले और फिर तय कर क्या करना है। हम तो आशीर्वाद देंगे ही, जिंदगी तुझे निभाना है। ऐसा करके छोड़ देने का क्या, बहुत उसकी नेगेटिविटी में मत गिरना। उसको ही बोलना कि तू पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लड़की में क्या क्या है वो देख ले
और तुझे अगर कहीं प्रॉब्लम आया तो हमें पूछ, तो हमको जो लगे वो हम बताएंगे, बाकी डिसीजन तो तेरा ही रहेगा। तो क्या होगा कि शादी के बाद भी आपका उसके साथ बैर भाव नहीं रहेगा और उसको आपके साथ बैर भाव इतना नहीं रहेगा, लड़की को ज्यादा रहेगा। बहू सारी जिंदगी वो नहीं भूल पाएगी कि मेरे लिए इतना सारा नेगेटिव था इनको, समझा है ना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम रोशनी डाल रहे हैं दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चे के बारे में। दोस्तों बच्चों को अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो तो हम कई बार सुनते हैं। क्या कभी माँ बाप को बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए वो सुना है, जाना है, समझा है? तो गलती कहाँ होती है, किससे होती है, बच्चों से या पेरेंट्स से? इन सारे सिचुएशन में उनको कैसे सपोर्ट करें, कैसी समझ दे कि उनका कैरेक्टर उभर के आए और वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स बने, आए जानते हैं अपने प्यारे आत्मनानी से। लेकिन निरुमा ऐसा है कि घर में जब ये बात आई तो बड़े बेटे ने लड़की को देखा और फिर बाद में हमारे साथ चर्चाएं करी, तो फिर बाद में उन्होंने, बड़े बेटे ने अपोज उठाया कि लड़की अच्छी नहीं है और नहीं शादी नहीं करे तो अच्छी बात है। तो मैंने उस बड़े को समझाया कि देखो ये शादी करने वाला है और हम मना करेगा तो और भी हमारे साथ दुश्मनी मोल लेंगे, तो इसे बेहतरीन है जिंदगी उसे गुजारनी है तो हम क्यों खामोखा मुसीबत मोल लें। तो उसे करनी हम समझाते हैं, लेकिन नहीं समझे तो उसे छोड़ दे अपने हालत पे। तू बड़े को ऐसा समझा, तो बड़े क्या बोलने लगा कि तू उनकी फेवर में बात करती है, तू माँ होके क्यों नहीं समझाती, इनकी वजह से घर में ऐसे झगड़े खड़े हो गए। कहना भाई मैं मेरी तरह से समझा रही हूँ, लेकिन पता तो है अपना भाई कैसा है, तुझे नहीं मालूम तेरा भाई कैसा है, पहले से मनमानी ही करता है। तो अभी अभी मुझे पहले जैसा मेरे में भी इतना स्ट्रांगनेस नहीं रहा है अपनी बात मनाने में। ठीक है शादी की बात है, हमेशा लड़का अपनी मर्जी से करता है, इसमें किसी की नहीं चलती है। दूसरी छोटी छोटी बातें रहती तो ठीक है मैं मना लेती थी, इसमें नहीं चलता है, समझ में आया। तो उसके हालत पे ही छोड़ दे, हालत पे छोड़ दे ऐसा मत बोलो, प्रेम से बोलो कि उसका भविष्य जिसके साथ होगा उस पर हम छोड़े, उसको जो जहाँ ठीक लगता है उसके डिसीजन पर हम खुश रहें। हालत पे छोड़ दे यानी फिर भी मन में तो थोड़ा कटु भाव है ही कि जा उसका जो होना है वो छोड़ो उसको, ऐसे से नहीं, इस तरह से मत। आखिर बेटा तो आपका ही है और बहू भी तो आपके घर की लक्ष्मी होने वाली है, तो अगर आप छोड़ ही दे रहे तो दिल से छोड़ो, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। हाँ उसको बोलना कि तेरा डिसीजन हो, अंतिम निर्णय तो तेरा ही होगा इसमें, हम तो हमारा व्यू पॉइंट ही बताएंगे, बाकी तेरी खुशी तुम्हें ही देखना है। प्रेम से कहो और अच्छी भावना से रखो उसको डिसीजन देने के लिए। और बड़े को कैसे समझाए? बड़े को कहना कि देखो ये शादी ब्याह के मामले में देख, तेरी भी जब शादी ब्याह की तो तुझे पसंद आई तो ही हमने यहाँ कहा, तू जितनी लड़कियों को ना कहता था तो उसको हम कोई फोर्स नहीं करते थे। इसी तरह से इसने अगर इसी लड़की से करने को कहा है तो हम और किसी के लिए किस तरह से फोर्स कर सकते हैं? तो ये शादी ब्याह के मामले में कोई फोर्स नहीं कर सकता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी की हर सवाल को। दोस्तों आज हमने माता पिता और बच्चों के कई समस्याओं पर गौर किया। हमारे प्यारे आत्मज्ञानी ने प्यार भरा रिलेशन बनाए रखने के लिए हमें एक्सेलेंट पॉइंटर्स दिए। तो दोस्तों ऐसी सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं हमारे हर रोज के कार्यक्रम में, सुनना ना भूलिए इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1-877-505-DADA extension 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।